अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके हॉस्टल दोस्त आरपीएस किचन एंड गार्डन से रिफत परवीन। आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार स्वीट डिश लेके आई हूँ, सेवैयों का डिज़र्ट, दूध की सेवैयाँ। इतने मज़ेदार और टेस्टी सेवैयाँ मैंने दूध वाली कैसी बनाई हैं, कैसे बनाई हैं, तो ये देखने के लिए एंड तक मेरी वीडियो स्किप किए बगैर देखें। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें और बेल का आइकन लाजमी प्रेस किया करें। और ज़रूर बताया करें कमेंट में कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और मजीद मैं आपके लिए कौन कौन सी वीडियो बना के। देखें बहुत ही मज़ेदार टेक्सचर, बहुत ही मज़ेदार दूध वाली सेवैयाँ बनकर रेडी हैं। आपको दिखा देती हूँ, ये देखें बहुत ही मज़ेदार हैं। एक एक दाना भी अलग है और अच्छे तरह से गला हुआ भी है और दूध भी। तो ये रेसिपी बिल्कुल आप बनाएंगे तो आपको लगेगा कि आप खोया खा रहे हैं, खोया। तो फिर मिलते हैं, चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने यहाँ पे तकरीबन आधा टी टेबल स्पून ये जो हमारा चमचा है ना, ये समझे 4-5 टेबल स्पून जिससे हम चावल खाते हैं वो घी है, थोड़ा सा कम कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले जो हमने लिए हैं पिस्ताज वगैरह ड्राई फ्रूट, उनको हम थोड़ा कर लेंगे फ्राई, ताकि वैसे इसी तरह भी हम डाल सकते हैं लेकिन इनको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेते हैं आग थोड़ी आंच पे, आंच तेज नहीं रखनी। थोड़ा हमने निकाल लेना है, बाकी हमने रहने देना है उसी में। ये सेवैयाँ हमने इनको बारीक कर दिया था किसी में, जो नहीं हुई उनको भी कर लेते हैं। इनको थोड़ा सा ही भूनेंगे, ये पहले ही से भुनी हुई है, देखें बहुत ज्यादा। देखें फ्रेंड ये भून चुकी हैं, तो अब हम इसमें डाल देते हैं फ्रेश दूध। थोड़ा सा और दूध दें। तो फ्रेंड ये देखें मैंने चेंज कर दिया है, इसमें मैंने दूध भी और डाला है और मैंने इसको चेंज किया देचकी को, क्योंकि वो देचकी एक तरफ से जल गई थी तो मैंने सोचा ये ना और जलाओ, जले का जायका जब वो बाल आए तो सेवैयों में आए, तो मैंने चेंज कर लिया। अब यहाँ पे हम इसको खोए का टेक्सचर देने के लिए, ये बिल्कुल खोए की तरह लगे सेवैयाँ, हम 2 टीस्पून डाल देते हैं नीटो दूध। आप कोई भी मिल्क पाउडर डाल सकते हैं, मावा भी डाल सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं, कुछ भी नहीं डाल सकते, सिर्फ दूध में भी ये बड़े मज़े की बन जाती हैं। लेकिन इस तरह साथ नीटो दूर से आप कोई भी ड्राई फ्रूट डालेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप खोया खा रहे हो, मावा खा रहे हो। तो अब हम इसको उबाल आने देते हैं, ये थोड़ी पतली उतारी जाती है क्योंकि। तो फ्रेंड्स ये देखें तैयार हो चुकी है हमारी जो सेवैयाँ हैं दूध वाली, और इतना ही हमने इनको तैयार करना था। ये देखें ये ठंडी होंगी तो मज़ीद ये गाढ़ी हो जाएंगी, तो यहाँ पर हम बंद कर देते हैं, तो थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए तो डिश आउट करके मिलते हैं। तो फ्रेंड ये देखें थोड़ी ठंडी हो गई है तो हम इसको करते हैं डिश आउट। इसको हम सारे को उठा के फ्रेंड ये देखिए मैंने इसको पलट लिया है और मैं इसका आपको दिखाती हूँ टेक्सचर कि ये कैसा है। ये देख लें ठंडा होने के बाद भी अभी ये हल्का ठंडा है, देखिए कितना मजे का मजीद ये हो जाएगा। तो अभी उसके ऊपर से मैं डाल देती हूँ पिस्ता वगैरह, सजा देती हूँ इसको बहुत अच्छे तरीके से, वो जो मैंने फ्राई किया हुआ था वो, और ये थोड़े से काजू, सारे डाल लेते हैं। और अगर आपके पास चांदी के वर्क है, मेहमानों को दे रहे हैं तो इस तरह इसको चांदी का वर्क भी लगा दें। वैसे ये ऐसे नहीं लगता, मुझसे गलती हो गई है लेकिन फिर भी ठीक है। तो फ्रेंड ये देखें कितना मज़ेदार सा ऐसी हमारी डिश तैयार हो गई है हमारी सेवैयाँ। तो ज़रूर बताएं ये आपको कैसी लगी और मज़ीद मैं आपके लिए कौन कौन सी रेसिपी लेके आऊँ
और जरूर बताइएगा इस तरह ये रेसिपी बनाकर, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान को सजाए रखे और आपके इजाफा दे। अल्लाह हाफिज़।